जिन भी लोगों का सपना था बीरादा शेरपा को फिर से टीवी पर देखने का, तो भाई उन सबका सपना पूरा होने जा रहा है। देखिए बीरादा शेरपा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंडिया के सबसे बड़े दो डांस रियलिटी शोज बैक टू बैक जीते। सबसे पहले जीता डांस प्लस, उसके बाद भैया डांस चैंपियंस, जहां पे डांस प्लस के नहीं ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी अब तक डांस रियलिटी शोज हुए थे वहां के बेस्ट कंटेस्टेंट आए थे। और भाई वहां भी बीरादा शेरपा ने साबित कर दिया कि क्यों वो बेस्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं बीरादा शेरपा बहुत जल्दी एक शो का हिस्सा बनने वाले हैं जिसका नाम है झलक दिखला जा सीजन 10। देखिए अभी तक ये पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ है और ना ही किसी से कोई खबर मिली है कि एज ए कंटेस्टेंट जा रहे हैं या फिर जा रहे हैं एज ए मेंटोर। अब यार मेंटोर तो मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बीरादा शेरपा हैं ये एक डांस स्टाइल उन्होंने बहुत तगड़ी है जो ये बीबॉइंग करते हैं और उसके साथ ये बहुत ज़्यादा स्टंट्स करते हैं। अब ये किसी पे सिखाने आए तो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिखा नहीं सकते भाई, आपने डीआईडी लिटिल चैंप देखा होगा, वहाँ पर ये जज थे, लेकिन वहाँ पर पहले से ही ट्रेन किए हुए बच्चे आ रहे थे, सारे बच्चे जो एकेडमी वगैरह में जाते हैं। एंड झलक दिखला जाए समथिंग जहाँ पर सेलिब्रिटीज आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले डांस सीखा होता है और कुछ ऐसे होता है जिन्होंने बिल्कुल भी डांस नहीं सीखा होता। और अगर इन भाई के हत्थे कोई चढ़ गया नॉन डांसर तो भैया उसके घुटने वुटने छिल जाएंगे, उसकी कोनियाँ वोनियाँ छिल जाएंगी और वो आधे सीजन में फ्रैक्चर होकर घर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के डांस स्टाइल है बीरादा शेरपा की वैसा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर भाई जो कंटेस्टेंट है तो इनका मेंटर कौन होने वाला होगा? ओ भाई मेंटर के लिए ना बड़ी मारामारी होने वाली है, क्योंकि ही इज द वन जो अपने मेंटर से भी तगड़ा डांस करके निकल जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि भैया मेंटर कौन है और कंटेस्टेंट कौन है। बाकी आई एम एक्साइटेड टू सी बीरादा शेरपा, क्योंकि यार ही इज द वन जिसको ना बिल्कुल गायब ही कर दिया गया इंडस्ट्री से। अब कुछ लोग बोलते हैं अल्कोहल हैबिट्स के कारण ऐसा हुआ है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ स्कैम किया था जिसको लेकर टीवी इंडस्ट्री से इनको बाहर कर दिया। अब वे वापस आ रहे हैं, यानी कि बायकोट वाला तो कोई सीन है नहीं, बस एक अल्कोहल का रीज़न हो सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ऐसा बोला था। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं आप एक्साइटेड हैं कि नहीं बीरादा शेरपा को लेकर। बाकी मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नई न्यूज़ नई अपडेट्स को लेकर, तब तक आप सभी को अलविदा।